मन मर्जी उधर लोग सिक्योरिटी बनाएगा, हम लोग घुसने देगा उधर, हम लोग तो बंद करेगा, तो उन लोग को मन मर्जी से इधर सिक्योरिटी बनाएगा, घुसेगा कहाँ कहाँ आपसे बाहर से आके घुसेगा, हम लोग क्यों उधर घुसने देगा, आराम से उन लोग को जीने देगा उधर, होता है ना, क्योंकि मना करने से नहीं जाएगा, रास्ता खुलने से भी मना करने से नहीं जाएगा, रास्ता बंद करने के लिए जरूरत नहीं है। लक्ष्मी सिमेन, अच्छा तो मतलब ये अभी काउंसिल को हम बोलना चाहते हैं कि मतलब बिना गांव वालों को पूछ के कैसे मतलब तुम लोग इधर में आके ये काम शुरू करेगा, और कॉम्पेंसेशन का नाम भी सिर्फ 2 लाख रुपया दिया, और वो भी सिर्फ एक गांव को, और वो कॉम्पेंसेशन भी क्या हिसाब से दिया हमको समझ में नहीं आया। किसी का 16 बीघा जा रहा है उसको भी 2 लाख मिल रहा है, किसी का 4 बीघा जा रहा है उसको भी 2 लाख मिल रहा है, क्या हिसाब से दे रहा है ये पैसा? टोटल 2000 बीघा है। अच्छा, कार्बी गांव का तो नहीं दिया, डिमासा गांव को तो जाके पूछा तो वही का एनओसी से ये पूरा काम तो चल रहा है। अभी एक की गावबुरा से बात हुआ है, वो भी डिमासा गांव का, कार्बी गांव का गावबुरा से बात नहीं हुआ है। और जितना है कि गांव वाला जो अभी मौजूद है नहीं चाहता है कि सीमेंट फैक्ट्री आओ बोल के, और ये जमीन देगा ही नहीं वैसा मतलब हम लोग सब गांव वाला का मानना है। वही बात समझ नहीं आ रहा है कि काउंसिल क्या कर रहा है। एक्चुअल में आके तो पूछना है ना काउंसिल की मिट्टी किसका है, बिना हम लोग का जो कार्बी गांव का जो मांग है जमीन देगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले इफेक्ट होके यहाँ के हम लोग गांव बनाया है, तो यहाँ से अब भी हम लोग कहाँ जाएगा? और ये उमरोंगसो का जो जमीन है और है ही नहीं, पूरा फैक्ट्री को दे दिया तो कहाँ बैठेगा यहाँ का आदमी? मालूम है हवा पानी सब खराब हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? और अभी टूरिज्म का ना, टूरिज्म कर रहे तो टूरिज्म अच्छा से करो, ये फैक्ट्री इतना सारा फैक्ट्री यहाँ में ला के कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री को अपोज कर रहे हैं। बाकी तो और डेवलपमेंट के नाम में और कुछ और ला सकता है, स्कूल लाओ, मतलब मेडिकल कैंपस लाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, सीमेंट फैक्ट्री तो नहीं देगा, बहुत प्रदूषण होता है उससे।